सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एक रियल एनालिसिस का टॉपिक देखेंगे, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो इसको समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट का जरूरत है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। चलिए इसको एक नंबर लाइन पर हम लोग समझते हैं। नंबर लाइन पर एक पॉइंट लेते हैं ए, इसके लेफ्ट साइड में डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं तो वो हो जाएगा ए माइनस डेल्टा, और राइट साइड में भी डेल्टा डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं वो हो जाएगा ए प्लस डेल्टा। अब इससे ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल बन गया। इस ओपन इंटरवल में कहीं भी एक्स लेते हैं तो एक्स और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड एक्स माइनस ए कहते हैं। मॉड एक्स माइनस ए बताता है एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो डिस्टेंस है एक्स और ए के बीच का, वो ये डेल्टा से स्मॉलर है। ये जो डेल्टा डिस्टेंस है उससे ये डिस्टेंस जो है वो छोटा है। तो अगर हम लोग इस इंटरवल में कहीं पर भी एक्स लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो डिस्टेंस आएगा एक्स और ए का वो डेल्टा से स्मॉलर आएगा। तो यानी कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और मॉड एक्स माइनस ए डेल्टा लेस देन डेल्टा होने के लिए एक्स का वैल्यू हम लोग को इसी इंटरवल में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में नहीं रखते हैं, सपोज कीजिए हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और ये होगा मॉड एक्स माइनस ए। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से बड़ा हो गया। डेल्टा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस से ये जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो रहा है। तो अगर हम लोग एक्स को बाहर रखते हैं, इस इंटरवल में नहीं रखते हैं, तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा हो जाता है। तो लेस देन डेल्टा होने के लिए निश्चित रूप से एक्स का जो वैल्यू है हम लोग को ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में ही रखना पड़ेगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये दूसरे साइड में हम लोग ये पॉइंट को लेते हैं, जैसे ये एक्स जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम लोग ए के राइट साइड में लेते हैं तो जो डिस्टेंस आएगा वो मॉड एक्स माइनस ए। फिर देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मॉड एक्स माइनस ए हो गया और ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो छोटा आ रहा है इस डिस्टेंस से, डेल्टा डिस्टेंस से। तो अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तो एक्स का वैल्यू जरूर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए में डेल्टा को सब्ट्रैक्ट करना ए माइनस डेल्टा और ए में डेल्टा को ऐड करना ए प्लस डेल्टा, उसी के बीच में हम लोग एक्स रखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एक्स लाइज इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। डेल्टा नेबरहुड किसको कहते हैं? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल जो बना रहे हैं उसको डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए कहेंगे। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब एक्स लाइज इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, ए का डेल्टा नेबरहुड में बिलोंग करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन फ्रेंड्स ये है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, आई ओपन इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो रहा है, सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू आई। अब हम लोग इस आई इंटरवल में जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो रहा था उस इंटरवल में एक पॉइंट हम लोग चूज करते हैं ए पॉइंट पर, फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है आप इसको समझिए। इफ फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन हम लोग अपने से चूज करेंगे, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, हाउएवर स्मॉल, वेरी स्मॉल भी हो सकता है ये, तो वी कैन फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा और ये जो डेल्टा है वो पॉजिटिव नंबर होगा, और इस प्रकार होगा कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा अगर रखते हैं तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन एट द पॉइंट ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा को अभी मैं बताया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा,
और mod fx minus fa less than epsilon को हम लोग लिख सकते हैं कि fx belongs to fa minus epsilon and fa plus epsilon open interval में fx belongs करेगा. means अगर x का वैल्यू a minus delta और a plus delta में lie कर रहा है यानी a के neighborhood में है तो उस समय fx का वैल्यू fa minus epsilon fa plus epsilon में lie करना चाहिए. अगर इस condition को satisfy करता है कोई भी function a point पर तो a point पर continuous function कहेंगे. आप इसको एक figure से समझिए. एक figure हम लोग ले रहे हैं, graph ले रहे हैं और वो एक function y equal to fx का ये ग्राफ है, y equal to f of x का ये ग्राफ हम लोग बनाए हुए हैं और इस ग्राफ में एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं x एक्सिस पर a और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस fa होगा और इस fa को हम लोग y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. y एक्सिस पर ये fa पॉइंट हो गया. अब x एक्सिस पर जो a पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं a माइनस डेल्टा और राइट साइड में भी एक डेल्टा डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं a प्लस डेल्टा. तो ये a का एक डेल्टा नेबरहुड हो गया और अगर इस इंटरवल a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी अगर हम लोग x रखेंगे तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, फंक्शन का वैल्यू अगर मान लीजिए आप यहाँ पर x को रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा और यही fx हो जाएगा. तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. तो इसको हम लोग अगर y एक्सिस पर दिखाएं तो y एक्सिस पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा यहाँ पर है और अगर ये पॉइंट लेते हैं यहाँ लेते हैं तो y एक्सिस पर फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है यानी कि ये जो डिस्टेंस है fa और एप्सिलॉन डिस्टेंस हम लोग ये ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं ये वाला fa माइनस एप्सिलॉन हो गया और राइट ऊपर में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं एप्सिलॉन डिस्टेंस पर ये हो गया fa प्लस एप्सिलॉन. तो अगर x का वैल्यू हम लोग a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में रखेंगे तो fx का वैल्यू जो होगा वो fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा. आप इसको देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं x एक्सिस पर एक पॉइंट लिए हुए हैं इसके करिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है आप देख रहे हैं ये वाला वैल्यू है तो ये fx हो गया. तो fx कहाँ पर आ रहा है आप ये येलो वाला पॉइंट देख रहे हैं fx यहाँ पर आ रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही है. तो अगर x को हम लोग a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के नेबरहुड में कहीं पर भी रखेंगे तो fx का जो वैल्यू आ रहा है वो fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में कहीं पर भी हो सकता है. आप इसको दूसरे तरफ से कहीं पर दूसरे जगह पर ले लीजिए पॉइंट a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर भी. तो अभी पॉइंट को यहाँ से मूव करके हम लोग यहाँ ले गए तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा फंक्शन का वैल्यू ये वाला हो गया और ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा तो ये पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि ये येलो वाला जो पॉइंट है ये एफ एक्स हो गया. तो एफ एक्स का वैल्यू फिर एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है. तो आप कह सकते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू हम लोग कहीं भी रखते हैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में जैसे यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में तो फंक्शन का वैल्यू हम लोग का आ रहा है यहाँ पर ही fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही आ रहा है. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में ले रहे हैं तो fx का वैल्यू आ रहा है fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन. तो a पॉइंट पर जो फंक्शन है a पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा. तो कंटिन्यूटी के लिए फ्रेंड्स ये डिफिनेशन हो गया कि हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कहलाने के लिए हम लोग एक एप्सिलॉन चूज करते हैं और ये एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए पॉजिटिव नंबर और ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा अगर रखते हैं तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन. अब ये जो डेल्टा है वो डेल्टा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है तो इसके बारे में आप समझिए. डेल्टा यहाँ पर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा. डेल्टा डिपेंड करेगा चोजन वैल्यू एप्सिलॉन पर और दूसरा है कि डेल्टा डिपेंड करेगा पॉइंट ए पर. तो ये दो चीज़ों पर डेल्टा डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है दो चीज़ों पर इसको हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द चोजन वैल्यू एप्सिलॉन. ये कैसे डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है आप इस फिगर में देख रहे हैं. अभी हम लोग यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिए हैं डिस्टेंस
तो ये एप्सिलॉन लिए हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है। अगर हम लोग दूसरा फिगर लेते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो छोटा हो गया, हम लोग स्मॉल कर दिए, यहाँ पर ये इतना बड़ा जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन था और यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर दिए एप्सिलॉन को, और डेल्टा जो डिस्टेंस है वो डेल्टा डिस्टेंस को सेम रखे हुए हैं, तो क्या ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है? आप ग्राफ से देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, कहीं भी ग्राफ जो है वो टूटा हुआ नहीं है, मींस ग्राफ कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए इस एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग इस डेल्टा पर। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब ये डेल्टा वर्क नहीं करेगा एप्सिलॉन के लिए, तो चलिए देखते हैं कि कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग एक्स लिए हुए हैं, तो एक्स के करिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा ये जो डिस्टेंस है वो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पर फंक्शन का वैल्यू को लिखे तो ये वाई का एफ एक्स का वैल्यू है, और ये एफ एक्स का वैल्यू जो है वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इस एप्सिलॉन को अगर हम लोग स्मॉलर कर रहे हैं तो डेल्टा को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा को भी छोटा करना पड़ेगा, तब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन डिफाइंड होगा, यानी कि डेल्टा जो है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर। अब हम लोग एक दूसरा फिगर देखते हैं जिसमें दिखाएंगे हम लोग कि डेल्टा जो है वो पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग जो पॉइंट लिए हैं ये ए पॉइंट लिए हुए हैं यहाँ पर, इस पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये एप्सिलॉन है। अगर हम लोग पॉइंट को चेंज कर दें, अभी फिलहाल पॉइंट यहाँ पर है, अगर पॉइंट को दूसरी जगह कर देते हैं तो क्या एप्सिलॉन भी सेम रखेंगे? पॉइंट को चेंज कर देंगे तो डेल्टा वही रहेगा या डेल्टा को चेंज करना पड़ेगा? चलिए इसके लिए हम लोग एक पॉइंट को मूव करते हैं, पॉइंट को ग्राफ से यहाँ पर ले गए तो यानी कि हम लोग यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट ले रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसको इस फिगर से समझिए। देखिए पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है और इसके करिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है एफ ए यहाँ पर है, और एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन ये वाला डिस्टेंस है। तो आप देखिए दोनों फिगर में एप्सिलॉन का भी लेंथ सेम रखे हुए हैं, डेल्टा का भी लेंथ सेम रखे हुए हैं, और ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं है, लेकिन क्या इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा वर्क करेगा? इसको समझने के लिए हम लोग एक्स पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं और इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है, आप देखिए ये जो फंक्शन का येलो वाला पॉइंट वैल्यू आ रहा है तो ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, ये फंक्शन का वैल्यू एफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई नहीं कर रहा है, यानी कि अगर पॉइंट को चेंज कर दिए एप्सिलॉन हम लोग वही रखें तो डेल्टा उसके लिए वर्क नहीं किया, यानी कि डेल्टा दो चीज़ों पर डिपेंड किया, डेल्टा पॉइंट ए पर भी डिपेंड कर रहा है और डेल्टा एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब कंटिन्यूटी समझ गए, कंटिन्यूटी के लिए जो एप्सिलॉन चूज करते हैं तो एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग हम लोग को एग्जिस्ट करता है डेल्टा, और ये जो डेल्टा होता है पॉजिटिव होता है, और ये डेल्टा डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है और जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। अगर ये जो डेल्टा ले रहे हैं वो अगर पॉइंट पर डिपेंड नहीं करे, सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, तो वैसे केस में जो कंटिन्यूटी होगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहेंगे। तो चलिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है कि एफ एक्स कोई फंक्शन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे इंटरवल आई में। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करते हैं या फिर इंटरवल में भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम लोग हमेशा इंटरवल में ही लेते हैं। तो यहाँ पर आई इंटरवल में ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहलाएगा इफ फॉर गिवन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी हम लोग वैसे ही चूज कर रहे हैं अपने से, लेकिन उसके करिस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ ये चॉइस ऑफ ही ए पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब ए पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो पॉइंट हम लोग चूज कर रहे हैं वो ए आई का कोई भी पॉइंट हो सकता है। सच दैट ऐसा होना चाहिए कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स
फॉर विच मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो आप इसको जरा एक फिगर से हम लोग समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। एक नंबर लाइन पर हम लोग एक इंटरवल ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो है वो एक इंटरवल लिए हुए आई, और इस इंटरवल में आप कहीं भी ये पॉइंट चूज कर लीजिए। ये पॉइंट जो है वो हम लोग इस इंटरवल में कहीं पर भी ले सकते हैं, ये इस इंटरवल में लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में या कहीं पर भी हम लोग इस पॉइंट को रख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पॉइंट को रखे हुए हैं, और अब क्या करते हैं, ए के नेबरहुड में एक नेबरहुड बनाते हैं, डेल्टा नेबरहुड, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, और इस इंटरवल में हम लोग एक्स लेते हैं, और ये एक्स जो है वो इस इंटरवल में है, इस नेबरहुड में है, तो जरूर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा। और इसके करिस्पॉन्डिंग मॉड एक्स माइनस ए लेस देन अगर डेल्टा रखेंगे तो उस समय एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ये डेल्टा जो है आ रहा है तो ये जो डेल्टा है वो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं, एप्सिलॉन पर सिर्फ डिपेंड करना चाहिए, ए पॉइंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ए पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। आप एक दूसरा फिगर हम लोग ले रहे हैं, दूसरा फिगर को समझिए। दूसरा फिगर में ये आई इंटरवल लिए हुए हैं, और आई इंटरवल में हम लोग एक्स जो पॉइंट लेते हैं और जो ए पॉइंट लेते हैं, इस एक्स और ए की जगह हम लोग पॉइंट ले लेते हैं एक्स और वाई। एक्स के जगह एक्स ही रखे हुए हैं लेकिन ए के जगह वाई रखे हुए हैं। तो आप देखिए जो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा जो लिखते थे, तो यहाँ पर ए के जगह वाई हो जाएगा, तो मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर जो एफ ए लेते थे, एफ ए के जगह क्या हो जाएगा, एफ वाई, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कहेंगे। यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक दूसरा डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का दूसरा डेफिनेशन क्या है कि द फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आई फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। हियर द डेल्टा मे डिपेंड ऑन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन द पॉइंट्स। डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर सकता है लेकिन पॉइंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए अलग अलग डेल्टा नहीं होना चाहिए, डेल्टा हमेशा सेम होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। आप चलिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स एक फंक्शन ले रहे हैं, और इस फंक्शन का ग्राफ, ये रेड कलर का जो ग्राफ बना हुआ है, ये एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर एक एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं अपने से, तो इस एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आएगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि यही डिस्टेंस डेल्टा होगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गया डेल्टा हो गया, यहाँ पर काट रहा है ये, तो ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा हो गया। अब इस एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग ये डेल्टा आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर कहीं भी यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हम लोग पॉइंट लेते हैं तो इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ये वर्क कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये पॉइंट एक्स, ये कर यहाँ पर रखते हैं तो एफ एक्स जो है वो इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। तो इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये पॉइंट इस इंटरवल में मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो नहीं रखते हैं तो वैसे केस में डेल्टा जो है वो क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट जो है अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक रखते हैं तो इस केस में क्या डेल्टा वर्क करेगा। तो आप देखिए ये जो एप्सिलॉन का ये बार जो है वो स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग अगर हम लोग डेल्टा देखें तो डेल्टा ये आ रहा है। तो हम लोग इस इंटरवल में कहीं पर भी एक्स रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रखते हैं एक्स, तो एफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो इस यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इस एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग डेल्टा ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा जो है वो छोटा हो गया एप्सिलॉन के करिस्पॉन्डिंग। तो
एप्सिलॉन हम लोग सेम रखे, सिर्फ क्या हुआ कि पॉइंट चेंज हो गया। पहले पॉइंट हम लोग इस पोर्शन में ले रहे थे, अब पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं तो डेल्टा जो है वो चेंज कर रहा है। यानी डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट चूज कर रहे हैं, अभी हम लोग पॉइंट लेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट आएगा, पहले जो ले रहे थे वो यहाँ इधर आता, तो पॉइंट अलग कर दिए तो डेल्टा जो है वो चेंज हो गया। पहले देखिए आप, ये पॉइंट इधर ले रहे थे हम लोग, तो इस पॉइंट में कहीं पर भी हम लोग इधर रखते x को, तो उस समय एप्सिलॉन ये था। और अब अगर हम लोग पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं तो एप्सिलॉन तो सेम है लेकिन डेल्टा जो है वो छोटा हो गया। तो डेल्टा किस पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर डेल्टा पॉइंट पर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर इज नो डेल्टा दैट वर्क फॉर ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स के लिए डेल्टा सेम डेल्टा वर्क नहीं कर रहा है। पॉइंट को अगर हम लोग चेंज करते हैं, पॉइंट यहाँ नहीं लेकर के हम लोग पॉइंट को अगर यहाँ रखते हैं तो डेल्टा जो है वो चेंज हो रहा है, डेल्टा सेम नहीं है। तो डेल्टा पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।